वेलकम बैक टू द सेकेंड वीडियो ऑफ आवर अपार्टमेंट सीरीज। इसमें हम आपको बताएंगे कौन सी लोकेशंस पे आपको रेंट आउट करना चाहिए, विच लोकेशंस आर गुड, विच प्लेसेस टू अवॉइड। सेकेंड, डॉक्यूमेंट्स जो रिक्वायर्ड हैं। थर्ड, यहाँ पे किस टाइप के अपार्टमेंट्स हैं, कौन से लाइक बिल्डर्स हैं जो अपार्टमेंट्स ऑफर करते हैं और अप्रॉक्सीमेटली उनका रेंटल कॉस्ट क्या है। एंड लास्टली, वो पर्टिकुलर एरियाज स्टूडेंट रेंटल के लिए जो सू एंड अलगोमा यूनिवर्सिटी के पास हैं। बोलना। तो जैसे अभी जनवरी इनटेक में बहुत सारे स्टूडेंट्स आ रहे हैं कनाडा। सू जितने भी आते हैं अधिकतर मैसेज कर रहे हैं, हमने यहाँ पर घर ले लिया है या फिर अपार्टमेंट कर लिया है, लोकेशन अच्छी नहीं है या फिर रेंट ज़्यादा है। तो उसके लिए ये कि ये वीडियो बना रहे हैं। तो जो आपका रेंटल प्रॉपर्टी है उसके तीन फैक्टर हैं, कॉस्ट के, लोकेशन, फ्लोर और पार्किंग, और बालकनी और पार्किंग कुछ भी करो। जो आपका कॉस्ट है बेसिकली जो रेंटल अपार्टमेंट का, वो इन फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। अब लोकेशन मींस अगर आप नियर टू डाउनटाउन लो या ईस्ट एंड लो, वेस्ट एंड लो, उस पे डिपेंड करेगा कि ज़्यादा है या कम है, प्लस शेयरिंग या सिंगल बेसिस पे। फ्लोर ऑब्वियसली अगर आप ग्राउंड या बेसमेंट ले रहे हो वो सस्ता है, जितने ऊपर फ्लोर्स बढ़ते जाएंगे वो एक्सपेंसिव है। एंड देन पार्किंग इंक्लूडेड है नहीं इंक्लूडेड है, उसकी फीस डेफिनेटली डिपेंड करती है। अगर आपके पास कार नहीं है सो यू सेव दैट एक्स्ट्रा $25-$30 पर मंथ, नहीं है तो आपको वो खर्चा करना ही पड़ेगा। एंड बालकनी, काफ़ी सारे अपार्टमेंट्स में बालकनी है, काफ़ी में बालकनी नहीं है, तो अकॉर्डिंगली भी वो प्राइस आपका ऊपर नीचे होगा। तो आईडी की अगर बात करें तो अगर आप पूरा अपार्टमेंट लेते हैं तो उसकी थोड़ी सी अलग रिक्वायरमेंट है। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे लेते हैं तो उसकी अलग रिक्वायरमेंट है। तो अगर आप अपार्टमेंट लेते हैं अपने पर्सनल के लिए तो आपको एक आईडी देनी है, कैनेडियन फोटो आईडी, एक अपना सिन नंबर और सैलरी स्लिप, ये तीन चीज़ें मैंडेटरी है देनी। और अगर आप शेयरिंग बेसिस पे और स्टूडेंट्स के साथ रह रहे हैं तो उसमें आईडी, फोटो वाली आईडी और सिन नंबर, ये दो चीज़ जरूर जाएंगी। तो बेसिकली जो अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं वो यहाँ पे चार टाइप के मेन हैं, स्काईलाइन, ईस्ट विलेज अपार्टमेंट्स, देन यू हैव पाइन अलर्ट अपार्टमेंट्स एंड यू हैव विलियम एंड मैकडेनियल प्रॉपर्टी। इनमें ये लोग प्रेफर करते हैं आप सैलरी स्लिप्स दें मोस्टली में, कुछ जगह हैं जिनमें बिना सैलरी स्लिप के भी चल जाएगा। सो अप्रॉक्सीमेटली वन बेडरूम एंड टू बेडरूम का क्या क्या कॉस्ट है इन चारों टाइप के अपार्टमेंट बिल्डिंग्स में, मैं यहाँ पे रिफ्लेक्ट कर दूंगी। यू कैन हैव अ लुक, दे ऑफर स्टूडियो अपार्टमेंट्स 1 BHK, 2 BHK इन डिफरेंट फ्लोर्स, तो कॉस्ट और रेंज उसी हिसाब से इसका आपका डिवाइडेड है कि कितना ऊपर है नीचे है। कई जगह में आपको लगेगा 900 में टू बेडरूम, सॉरी नॉट 900 में, टू तो मिलेगा ही नहीं, अब तो प्राइसेस बढ़ गए हैं एक्चुअली इस साल से। जैसे 1100-1200 में टू बेडरूम मिल रहा है और कई जगह आपको लगेगा 1300 में वन बेडरूम मिल रहा है। इट टोटली डिपेंड्स कि लोकेशन कहाँ है, लाइक पीपैच इज अ वेरी गुड एरिया तो वहाँ पे रेंटल थोड़ा हाई है। मोस्टली आर सिटी इज डिवाइडेड इंटू थ्री पार्ट्स, जो आपका मिडिल एरिया है, डाउनटाउन एरिया है एंड वेस्ट एंड ईस्ट एंड। सो बसेस से सारे एरियाज एक्सेसिबल हैं, बस सिस्टम, सू ट्रांजिट सिस्टम इज प्रिटी गुड, हमने बताया था आते ही जरूर बस पास बनवा लेना, दैट इज वेरी वेरी हेल्पफुल। तो कुछ एरिया ऐसे हैं जो आपको अवॉइड करने चाहिए एज अ स्टूडेंट, तो वो है क्वीन स्ट्रीट वेस्ट, गोर स्ट्रीट और एल्बर्ट स्ट्रीट वेस्ट। थोड़ा सा यहाँ पर अनसेफ है रात के टाइम, अगर आप अपनी नौकरी से आ रहे हो तो फिर आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा इसका। यहाँ पर रहने का सिर्फ प्लस पॉइंट दो हैं, एक तो आपको बस स्टेशन जो है, जो बस टर्मिनल है वो बहुत ज़्यादा पास है, और दूसरा आपका जो रेंट है वो काफ़ी चीप होगा, दो ये प्लस फैक्टर भी हैं। अगर आप ओके हो, आपको थोड़ा सा पैसा सेव करना है, सो यू कैन यू नो प्रेफर टू रेंट इन दीज एरियाज। काफ़ी स्टूडेंट्स रहते हैं यहाँ, मोस्टली स्टूडेंट्स सोचते हैं सू कॉलेज एंड अलगोमा यूनिवर्सिटी के पास ही रेंट पे स्पेस लेने का, बट दैट इज़ अ बिट कॉस्टली इस साल, अगेन रेंट्स हायर अप चले गए हैं। एक हाउस अगर आप वन बेडरूम लोगे आराम से 1100-1200 में, वो भी मिल रहा है वन बेडरूम टू बेडरूम, इट इज़ नाउ प्रिटी एक्सपेंसिव। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन भी, अकोमोडेशन ढूंढी कैसे जाए। सो यू हैव फोर ऑप्शंस, वी हाईली रिकमेंड प्लीज इन चारों रिसोर्सेज को अच्छे से आप एक्सप्लोर करना। फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव वेरियस इंस्टाग्राम पेजेस जहाँ पे स्टूडेंट्स ने क्रिएट किए ये पेजेस, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में बताया था हमारे फ्रेंड शेरी है, उसने अपना इंस्टाग्राम स्पेसिफिकली क्रिएट किया टू हेल्प स्टूडेंट्स एंड न्यू कमर्स। तो आप इंस्टाग्राम उन पेजेस को फॉलो कीजिए, उसमें अपने क्वेश्चंस भेज सकते हैं, लिंक्स आपको सारे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
सेकेंड यू हैव सर्टन फेसबुक ग्रुप्स, जो हमारा भी एक ग्रुप है हमने बनाया है इंडियंस इन सुसन मेरी, अराउंड 2000 मेंबर्स हैं उस पर, पीपल आर वेरी हेल्पफुल. यू हैव अ फ्यू अदर फेसबुक ग्रुप्स टू, वो भी हम नीचे मेंशन कर देंगे. थर्ड इज फेसबुक मार्केट प्लेस, आपको काफ़ी सारे वहाँ पे भी अकोमोडेशन ऑप्शंस मिल जाएंगे. एंड फोर्थ इज Kijiji. Kijiji तो है ही हमेशा. इसके अलावा एडिशनल अगर आपको रिसोर्सेज देखने हैं तो जहाँ की जो न्यूज़ वेबसाइट्स हैं लाइक सू टूडे एंड ऑल, उस पर भी काफ़ी लोग एडवर्टाइज करते हैं रेंटल्स के लिए. इनफैक्ट इससे पहले वाला जो हमारा शॉर्ट टर्म रेंटल था सबलीज वाला, वो हम लोग को Kijiji सू टूडे पे ही मिला था, हर्ष ने ढूंढा था. एंड तो ये सारे रिसोर्सेज को आप पहले अच्छे से एक्सप्लोर कीजिए, उसके बाद यू कैन ऑलवेज रीच आउट टू अस और अदर स्टूडेंट्स, पीपल आर वेरी वेरी हेल्पफुल हियर. एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, पैसा कहीं भी देने से पहले प्लीज़ मेक श्योर आप उस जगह को देख लो या एटलीस्ट वेरीफाई कर लो वो ऑथेंटिकेटेड है या नहीं. बिकॉज एक दो स्टूडेंट्स ने रीच आउट किया था हर्ष को कि उन्होंने पे कर दिया है बट जो लैंडलॉर्ड है वो गायब हो गया है, उसका कोई उससे कॉन्टैक्ट नहीं हो पा रहा है एंड ही इज़ जस्ट वैनिश्ड. प्लीज ऐसे मत करना क्योंकि बिकॉज एवरी डॉलर एवरी रूपी काउंट्स इफ यू आर कमिंग एज अ न्यू कमर फ्रॉम अनदर कंट्री. एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट एंड वी आर ऑलवेज देयर टू हेल्प यू. तो गाइस आज की वीडियो में इतना ही, और अगर आपको कोई भी और वीडियो चाहिए अकोमोडेशन से रिलेटेड प्लीज डीएम अस या फिर कमेंट बिलो, कमेंट बिलो कुछ भी. तो वैसे तो हमने सब कुछ मर्ज करके अपना एक दो वीडियो बना चुके हैं, और फिर भी अगर कुछ बचता है तो आप हमें बता सकते हैं जब मर्जी. और आपको सारा इंस्टाग्राम, हमारा फेसबुक चैनल, फेसबुक पेज, सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. प्लीज सब्सक्राइब शेयर. बाय.